यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन फाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू फाई टू ऑफ एक्स प्लस सी थ्री फाई थ्री ऑफ एक्स, वेयर सी वन सी टू सी थ्री आर कॉन्स्टेंट एंड फाई वन कॉमा फाई टू कॉमा फाई थ्री आर ऑर्थो नॉर्मल सेट्स ऑन ए कॉमा बी, शो दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है जो क्या दिया है, सी वन फाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू फाई टू ऑफ एक्स प्लस सी थ्री फाई थ्री ऑफ एक्स, ये गिवन पार्ट रहेगा। और इसके अंदर सी वन सी टू सी थ्री को कॉन्स्टेंट कहा गया है और ये फाई वन फाई टू फाई थ्री ये फंक्शन कैसे है, ऑर्थो नॉर्मल सेट से ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी, और नीचे वाला पार्ट हमें शो दैट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन वाले पार्ट में हमें क्या लिखना होगा, गिवन में सी वन कॉमा सी टू एंड सी थ्री आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है वो आर कॉन्स्टेंट लिख दिया। एंड फाई वन ऑफ एक्स या फिर जिसको हम लोग सिंपली फाई भी कह सकते हैं, फाई वन फाई टू और फाई थ्री आर ऑर्थो नॉर्मल सेट्स, आर ऑर्थो नॉर्मल कहा है उन्होंने, आर ऑर्थो नॉर्मल सेट्स ऑफ फंक्शन या फिर सिंपली सेट्स कहा है, ऑर्थो नॉर्मल सेट्स ऑन ए कॉमा बी। देखो फाई वन फाई टू फाई थ्री ये फंक्शन कैसे ऑर्थो नॉर्मल है, तो देयर फोर ये फंक्शंस ऑर्थो नॉर्मल सेट्स ऑफ फंक्शन होने के लिए जो कंडीशंस होती है उनको सेटिस्फाई करेंगे। देयर फोर हम लोग उनकी कंडीशंस जो हो सकती है फाई वन फाई टू फाई थ्री इन फंक्शन के लिए उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ये क्या लिखा, सिंस फाई वन फाई टू फाई थ्री आर ऑर्थो नॉर्मल सेट्स ऑन ए कॉमा बी, देयर फोर लिखेंगे, ये सिंस का सिंबल हो गया उसको मैं देयर फोर कर देता हूँ, देयर फोर इंटीग्रल ए टू बी फाई वन ऑफ एक्स, शुरुआत में देखो ये फाई वन ऑफ एक्स दिया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा फाई वन ऑफ एक्स डॉट फाई टू ऑफ एक्स, लास्ट में यहाँ पे डी एक्स होगा इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रल ए टू बी फिर से लिखा है फाई वन ऑफ एक्स डॉट अभी फाई थ्री ऑफ एक्स कर देते हैं, लास्ट में डी एक्स होगा अगेन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी फाई टू ऑफ एक्स, और यहाँ पर ले लेंगे फाई थ्री ऑफ एक्स, फाई थ्री ऑफ एक्स यहाँ पे होगा डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वो जीरो इसलिए रहेगा क्योंकि फंक्शंस ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन इन बिटवीन फाई वन फाई टू फाई थ्री या फिर जो भी फंक्शन रहेंगे उनके बीच में दोनों अलग अलग फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे पहले इंटीग्रेशन भी होगा, लास्ट में डी एक्स भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये फाई वन फाई टू फाई थ्री ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, उसके कारण हम लोगों ने सामने इक्वल टू जीरो लिख दिया। एंड सेकेंड कंडीशन भी होती है हमारे पास, अगर फंक्शन ऑर्थो नॉर्मल होते हैं तो सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी फाई वन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीग्रल ए टू बी फाई टू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर फाई टू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी फाई थ्री ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, वन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फंक्शंस ऑर्थो नॉर्मल सेट्स ऑफ होने के लिए ये सेकेंड कंडीशन में इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो ये फाई वन फाई टू फाई थ्री ये फंक्शन ऑलरेडी ऑर्थो नॉर्मल थे, इनके कारण वो फंक्शन ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन सेट होने के लिए जो कंडीशंस होती है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है उसको लिखेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो फंक्शन क्या था, सी वन फाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू फाई टू ऑफ एक्स और ये क्या था प्लस सी थ्री फाई थ्री ऑफ एक्स, इस तरीके से वो फंक्शन था, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना। तो लेफ्ट साइड में भी स्क्वेयर अगर होता तो ये कैसे लिखेंगे, हम लोग एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर करेंगे, और राइट साइड में अगर स्क्वेयर होता तो इस पूरे तीनों टर्म को ब्रैकेट में लिखकर ब्रैकेट के बाहर स्क्वेयर देना होगा, राइट। तो देखो ये ब्रैकेट में क्या लिखा, सी वन फाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू फाई टू ऑफ एक्स लिख दिया प्लस सी थ्री फाई थ्री ऑफ एक्स लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या कर दिया, ये स्क्वायर पुट कर दिया। आफ्टर दैट ये कैसा दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस टू टाइम्स ऑफ बी सी प्लस टू टाइम्स ऑफ सी ए। सो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अभी ये वाले टर्म जो आए हैं उनको एक्सपेंड करना होगा। ए की जगह पर सी वन फाई वन ऑफ एक्स है तो ए स्क्वायर होता तो ये सी वन का होल स्क्वायर,
और ये फाई वन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। प्लस सी टू का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये फाई टू ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग फाई टू ऑफ एक्स को ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर इस तरीके से लिखा है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये सी थ्री का स्क्वायर रहेगा, फाई थ्री ऑफ एक्स को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका कम्प्लीटली स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट स्टेप में टू टाइम्स ऑफ ए बी। तो ए बी यानी कि ये पहला वाला टर्म सी वन फाई वन ऑफ एक्स, ये और बी वाला टर्म कौन सा है सी टू फाई टू ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ, ये टू टाइम्स ऑफ ए बी हो गया, अभी टू टाइम्स ऑफ बी सी यानी कि ये सी टू फाई टू ऑफ एक्स डॉट सी थ्री फाई थ्री ऑफ एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ सी ए यानी कि टू टाइम्स ऑफ सी थ्री फाई थ्री ऑफ एक्स डॉट सी वन फाई वन ऑफ एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस टू टाइम्स ऑफ बी सी प्लस टू टाइम्स ऑफ सी ए, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये वाला स्टेप करना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वाला स्टेप अगर होता है तो लेफ्ट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स दिखना होगा, ठीक है। ये क्या लिखा फिर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दिया, बोथ साइड। बिफोर दैट हम लोगों ने जो यो दो प्रॉपर्टी लिखी थी फंक्शंस और ऑर्थोनॉर्मल सेट्स होने के लिए, ये जो पहला वाला पार्ट था जो उसको हम लोग नंबर वन कर देंगे और ये जो दूसरा वाला पार्ट था जिसको हम लोग नंबर टू कर देंगे, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो अभी इस वाले पार्ट पे आते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और साइड में रहेगा ये डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन राइट साइड में हर एक फंक्शन को अप्लाई होगा, जहाँ पर ये सी वन स्क्वायर इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये सी वन स्क्वायर आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इंटीग्रल ए टू बी ले रहे हैं ना हम लोग, इंटीग्रल ए टू बी फाई वन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये फाई वन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे और साइड में क्या रहेगा डी एक्स रहेगा। सिमिलरली प्लस, अभी सी टू स्क्वायर कॉमन है, कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, सी टू स्क्वायर बाहर लिखा, इंटीग्रल लिमिट ए टू बी और इसके अंदर लिमिट्स, सॉरी इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, फाई टू ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में लिखकर उस ब्रैकेट का स्क्वायर लास्ट में क्या रहेगा डी एक्स प्लस अभी क्या आएगा कॉन्स्टेंट बाहर सी थ्री स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रेशन ए टू बी अभी फाई थ्री ऑफ एक्स ये फंक्शन उसका स्क्वायर और उसके बाहर क्या रहेगा ये डी एक्स आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस लिखा टू लिखा सी वन और ये सी टू कॉन्स्टेंट है वो बाहर लिख देंगे हम लोग, सी वन डॉट सी टू ये कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिए, इंटीग्रेशन ए टू बी और फंक्शन कौन से रहेंगे फाई वन ऑफ एक्स और ये फाई टू ऑफ एक्स ये फंक्शन रहेंगे, फाई वन ऑफ एक्स डॉट फाई टू ऑफ एक्स ये फंक्शन रहेंगे, लास्ट में डी एक्स भी लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में इंटीग्रेशन लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में अभी ये प्लस दिया आगे लिख लेते हैं, टू सी टू और सी थ्री नीचे आएगा, टू सी टू और ये सी थ्री इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रेशन ए टू बी और फंक्शन कौन सा रहेंगे फाई टू ऑफ एक्स और फाई थ्री ऑफ एक्स, फाई टू ऑफ एक्स डॉट फाई थ्री ऑफ एक्स ये फंक्शन हो जाएंगे, लास्ट में ये डी एक्स देना होगा। प्लस नेक्स्ट स्टेप में अभी कॉन्स्टेंट किसको बाहर लेना होगा, इंटीग्रेशन के पहले टू टाइम्स ऑफ सी थ्री डॉट सी वन इंटीग्रल ए टू बी फाई थ्री ऑफ एक्स डॉट फाई वन ऑफ एक्स रहेगा और लास्ट में ये डी एक्स लिखना होगा, ठीक है। इसको हम लोग नंबर थ्री कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो राइट साइड पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई किया, लेकिन इंटीग्रेशन राइट साइड में सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ है, और अगर कोई कांस्टेंट आ रहा था तो उस कांस्टेंट को हम लोगों ने इंटीग्रेशन के पहले लिखा हुआ, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम स्टेप्स वन टू और थ्री, ये क्या लिखा फ्रॉम वन टू एंड थ्री, ठीक है। फ्रॉम वन टू थ्री लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो हमें एज इट इज लिख देना है, ये क्या लिखा स्टेप फ्रॉम वन टू थ्री, लेफ्ट वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना होगा। तो लेफ्ट में क्या लिखना था, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे क्या था डी एक्स भी लिख दिया, इक्वल टू देखो ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन ए टू बी फाई वन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी थी वन थी, और ये इंटीग्रल ए टू बी फाई टू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इसकी भी वैल्यू वन थी, और इंटीग्रल ए टू बी फाई थ्री ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एक्स, इसकी भी वैल्यू वन थी। कैसे वन थी, देखो ये सेकेंड वाले स्टेप में लिखा हुआ है ना, ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, बिकॉज फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री ये फंक्शन ऑलरेडी हमें कैसे दिए थे, ऑर्थो नॉर्मल दिए हुए थे, इसके कारण ये सेकेंड कंडीशन
ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी, जहाँ पर ये वैल्यू को अगर हम लोग इवेल्यूट करते हैं तो उसका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है, बाय कंडीशन 1 होगा। और वो उसके ऊपर वाले पार्ट में क्या दिया है, इंटीग्रल ए टू बी फाई वन ऑफ एक्स डॉट फाई टू ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी फाई वन ऑफ एक्स डॉट फाई थ्री ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी फाई टू ऑफ एक्स डॉट फाई थ्री ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कारण ये लास्ट वाले तीन जो इंटीग्रेशन है वो क्या, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डायरेक्टली हमें आंसर क्या मिलेगा, ये तो 1 मिल रहा है ना, पहले तीन इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है 1 और लास्ट के तीन इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल रही है 0। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, देखो इसके आगे डायरेक्टली सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव, यही हमें शो दैट करने का था। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी और एक क्वेश्चन करेंगे, तो वो हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, शो दैट द फंक्शंस एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आर ऑर्थोगोनल ऑन -1, 1। यानी कि ये जो एफ वन ऑफ एक्स जो फंक्शन है और ये जो एफ टू ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है, एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये जो फंक्शन है, इनको ऑर्थोगोनल दिखाना है इन द इंटरवल -1, 1। डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये जो भी फंक्शन है एफ थ्री ऑफ एक्स, ये फंक्शन एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स इन फंक्शन के साथ कैसे दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। ऑर्थोगोनल होगा इस उस केस में ए और बी ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है, राइट, ऑन दैट इंटरवल। ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इस एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स ये दोनों फंक्शन को अपने आप में ऑर्थोगोनल दिखाना ऑन द इंटरवल -1, 1। इसी वाले पॉइंट को हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे, टू शो वॉट एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑर्थोनॉर्मल, सॉरी ऑर्थोगोनल रहेगा वो, ऑर्थोगोनल सेट्स ऑन -1, 1, ठीक है। ये पूछा है शो दैट करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट इंटीग्रल -1, 1 होगा, -1, 1 ही इंटरवल दिया है, तो इंटीग्रल -1, 1। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ वन ऑफ एक्स डॉट एफ टू ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 0 आनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी फॉर फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो इंटीग्रल -1, 1, एफ वन ऑफ फंक्शन कितना था, 1 था, तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ टू ऑफ ये फंक्शन कितना, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे और लास्ट में क्या होगा, डी एक्स। तो इंटीग्रल एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, ब्रैकेट लोअर लिमिट का -1 और अपर लिमिट का +1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 एक्स की जगह पे प्लेस करेंगे तो 1 स्क्वायर 1, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह पे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, तो ये +1/2 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो गई, 0। यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। हम लोग इसके लिखे के नंबर 1 लिख देंगे, एंड इतना करने के बाद क्या करना है हमें, इंटीग्रल -1, 1 एफ वन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना है, और राइट साइड में यहाँ पर डी एक्स होगा इक्वल टू इंटीग्रल -1, 1 एफ वन ऑफ एक्स कितना था, 1 था, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, ओनली डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रल डी एक्स कितना होगा, एक्स होगा, लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का +1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कैसा होगा, 1 -1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 आया ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड कंडीशन यही होती है कि ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ फंक्शन रहेगा, तो ये सेकेंड वाला कंडीशन कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग करेंगे नंबर 2 कर देंगे, एंड अभी थर्ड वाला कंडीशन, इंटीग्रल -1, 1 एफ टू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिखा, एफ टू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल -1, 1 एफ टू ऑफ एक्स, ये फंक्शन क्या था, एक्स था, उसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर लिख दिया डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ब्रैकेट के अंदर लिखा लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का +1, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1/3 लिखा, माइनस -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा अपॉन का 3, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस ऑफ माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2/3, विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये थर्ड कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिल जाता है, एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हो जाएंगे
और -1 to 1, ठीक है, सॉरी ऑर्थो नॉर्मल का ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ फंक्शन हो जाएंगे ऑन द इंटरवल -1, 1, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 आया तो गिवन फंक्शन को हमें ऑर्थोगोनल ही कहना होगा। इसके आगे हमें लिखना है फिर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट f1 of x एंड f2 of x आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑन -1, 1, ठीक है। अभी क्या करना था हमें f3 of x ये इस फंक्शन के अंदर f1 of x और f2 of x इस फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल अगर है तो उस केस में f3 of x के अंदर जो कांस्टेंट रहेंगे वो क्या होंगे ये हमें निकालना है, राइट। तो आगे क्या लिखना है हमें, नाउ टू फाइंड क्या लिखा, नाउ टू फाइंड कांस्टेंट इन f3 of x, कांस्टेंट इन f3 of x सच दैट f3 of x इज ऑर्थोगोनल विद, f3 of x कैसा होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ऑर्थोगोनल विथ f1 of x एंड f2 of x। हम लोग पहले अज्यूम कर लेते कि f3 of x ये फंक्शन f1 of x और f2 of x के साथ ऑर्थोगोनल होगा, ये हम लोग पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ऑन -1, 1 ऑन द सेम इंटरवल बोला था तो सेम इंटरवल लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, f3 of x ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि 5 f1 of x और f2 of x के साथ ऑर्थोगोनल है, तो लेट क्या लिखा, इंटीग्रल -1 to 1 f1 of x डॉट f3 of x और यहाँ पर लिखा dx, ठीक है, इंटीग्रल -1 to 1 f1 of x कितना था 1 था तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होगा f3 of x लिखना होगा, दैट इज़ -1 प्लस ax, और क्या था f3 of x में, -1 प्लस ax प्लस bx² प्लस bx² इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि f3 of x ये फंक्शन f1 of x इस फंक्शन के साथ और f2 of x इस फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल है, राइट। तो इसके कारण हम लोगों ने क्या लिखा, इक्वल टू ऑलरेडी 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करने पर देखो क्या रहेगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन साइन अभी नहीं लिखना है, उसके बदले में सिर्फ एक ब्रैकेट डाल दिया। -1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, -x प्लस ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और यहाँ पे क्या होगा x³/3 आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का +1 = 0 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये x की जगह पे 1 लिखना है, -1 प्लस a लिखा, x की जगह पे 1 आएगा तो 1² कितना होता है 1 ही होता है, ये 1/2 लिख दिया, प्लस b लिखा, 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो ये 1/3 लिखा, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अभी ब्रैकेट डाल दिया, x की जगह पे क्या आएगा -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस x की जगह पे -1 आएगा तो ये क्या रहेगा a 1/2 ही रहेगा, x की जगह पे -1 का क्यूब कितना होता है -1 होगा, ये क्या हो जाएगा फिर -b/3 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज = 0, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर देखो कौन सा टर्म चला जाएगा, ये -1 एज इट इज़ प्लस a/2 प्लस b/3, ये -1 माइनस a/2 और ये माइनस माइनस प्लस b/3 इक्वल टू कितना रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। ये प्लस a/2 माइनस a/2 कैंसिल, ये -1 कितना हो गया -2 हो गया, ये -2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और यहाँ पर b/3 और b/3 यानी कि 2b/3 = 2 लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 गेट कैंसिल, हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिली हमें 3 मिली, राइट। एंड f3 ऑफ ये फंक्शन हमें f2 of x फंक्शन के साथ भी ऑर्थोगोनल होना चाहिए ना, तो इसके कारण क्या लिखेंगे, एंड इंटीग्रल -1 to 1 लिखा, f2 of x डॉट f3 of x dx = इंटीग्रल -1 to 1 f2 of x ये फंक्शन कितना था x था, f3 of x फंक्शन कितना था -1 प्लस ax प्लस bx², राइट, और राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या रहेगा dx होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस x को अंदर मल्टीपल कर देना है
और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू जीरो होगी, ये भी याद रखो राइट। तो देयर फॉर एक्स अंदर इंटू होता है तो ये इंटीग्रल माइनस वन टू वन माइनस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, ये सब कुछ एक राउंड ब्रैकेट में लिखा, लास्ट में ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है हमें, जीरो करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रल करेंगे लेफ्ट साइड में, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस ये बी कॉन्स्टेंट एज इट इज़, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखे, उसकी लिमिट लिखे माइनस वन टू वन और इक्वल टू जीरो रहेगा ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह पे अपर लिमिट का वन पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू प्लस वन क्यूब, वन ही रहेगा तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे ए बाई थ्री प्लस बी बाय फोर ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट की वैल्यू इस ब्रैकेट में, माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट, एक्स की जगह पे अभी हमें माइनस वन पुट करना है लोअर लिमिट वाला, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही होगा तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस वन बाय टू, माइनस वन का क्यूब माइनस रहेगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस ए बाई थ्री, माइनस वन टू द पावर फोर प्लस वन तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी बाय फोर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू जीरो है राइट साइड में। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वन बाय टू एज इट इज़ प्लस ए बाय थ्री ये एज इट इज़ प्लस बी बाय फोर ये भी एज इट इज़, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, तो ये प्लस वन बाय टू ये प्लस ए बाय थ्री और ये माइनस बी बाय फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो ये माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसर, प्लस ए बाय थ्री प्लस ए बाय थ्री टू ए बाय थ्री प्लस बी बाय फोर माइनस बी बाय फोर कैंसर ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, थ्री उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, यहाँ पर जीरो मिल जाती है ठीक है। तो देयरफोर एफ थ्री ऑफ एक्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो माइनस वन प्लस ए एक्स प्लस क्या था बी एक्स स्क्वायर था ना, और बी की वैल्यू कितनी आई थी, थ्री आई थी, तो हम लोग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन ये मिल जाएगा हमें एफ थ्री ऑफ एक्स ठीक है। बट ये फंक्शन हमें कैसे दिखाना था, ऑर्थोगोनल दिखाना था विथ रिस्पेक्ट टू एफ विथ एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स इस फंक्शन के साथ, तो इसके कारण ये वाला फंक्शन दैट इज़ एफ थ्री ऑफ एक्स फंक्शन, फंक्शंस ऑर्थोगोनल होने के लिए जो सेकेंड कंडीशंस होती है वो भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसके कारण एफ थ्री ऑफ एक्स ये फंक्शन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन ये के साथ, इस फंक्शन के साथ ऑर्थोनॉर्मल सेट्स ऑर्थोगोनल सेट्स होने के लिए जो सेकेंड कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, वो जो हम लोग चेक करेंगे कि एंड लिखा इंटीग्रल माइनस वन टू वन लिख दिया एफ थ्री ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वन टू वन, अगर ये ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ फंक्शन रहेगा एफ थ्री ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू या फिर विथ एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स, देन यहाँ पर इंटीग्रल करने पर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगी राइट। तो देखते हैं यहाँ पर इंटीग्रल माइनस वन टू वन लिखा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बाहर क्या आएगा डी एक्स आएगा, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर, तो ये इंटीग्रल माइनस वन टू वन ये थ्री एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने पर क्या आंसर आएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, एक्स का स्क्वायर करने पर एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको, लास्ट में क्या लिखा डी एक्स लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वल टू नाइन कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, एक्स रेस टू फोर है तो उसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस सिक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन ओनली एक्स रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, लोअर लिमिट का माइनस वन अपर लिमिट का प्लस वन लिख दिया ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी एक्स की जगह पर हमें अपर लिमिट का प्लस वन पुट करना है, फिर माइनस साइन देकर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का माइनस वन पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पर एक्स की जगह पे वन प्लेस करेंगे तो ये वन टू द पावर फाइव वन ही रहेगा, तो वन अपॉन फाइव और इंटू नाइन है तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, उसको नाइन बाई फाइव लिख देंगे, ये नाइन है नाइन अपॉन फाइव लिखा माइनस वन का क्यूब वन वन बाई थ्री इंटू सिक्स, यानी कि कितना हो जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स है तो ये माइनस टू लिखेंगे प्लस वन लिख दिया, ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट के साथ आई हुई वैल्यू लिखी माइनस माइनस के साथ ब्रैकेट माइनस वन टू द पावर फाइव माइनस वन हो जाएगा तो ये माइनस नाइन बाई फाइव लिखा, माइनस वन टू द पावर थ्री है ना तो वो माइनस वन रहेगा, माइनस वन इंटू ये माइनस टू आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस टू, एक्स की जगह पे ये माइनस वन, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे देखो क्या मिलेगा, नाइन बाई फाइव माइनस टू प्लस वन माइनस माइनस प्लस नाइन बाई फाइव माइनस टू और ये प्लस वन ठीक है, तो सेम टर्म मिल रहा है हमें,
नाइन बाय फाइव, यहाँ पर भी नाइन बाय फाइव, यानी कि 18/5। माइनस टू, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन कितना होगा, माइनस वन होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस टू हो जाएगा सिंपली। इसको क्रॉस मल्टीपल करने पर आंसर कितना आ जाएगा, देखो 8/5 मिलेगा, 8/5 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि थर्ड कंडीशन, दैट इज़ एफ थ्री ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स करने पर थर्ड कंडीशन नॉट इक्वल टू जीरो आई, इसका मतलब एफ थ्री ऑफ एक्स ये फंक्शन एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स इस फंक्शन के साथ कैसे हो जाएगा, और तो गोनन फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो हमें लास्ट में क्या पूछा गया था, रिक्वायर्ड फंक्शन एफ थ्री ऑफ एक्स से पूछा था ना, कॉन्स्टेंट वैल्यूज लिखकर। तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, देयर फॉर रिक्वायर्ड फंक्शन एफ थ्री इक्वल टू, देयर फॉर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फंक्शन, ये वर्टिकल लाइन आई हुई है उसको आप लोग इग्नोर कर दो, देयर फॉर रिक्वायर्ड फंक्शन क्या रहेगा, एफ थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इस चैप्टर के अंदर आने वाला, ये लास्ट प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब तक किए हुए जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर कंसेप्ट में डाउट अगर आता है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म 1, लैपलास ट्रांसफॉर्म 2, फूरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये वाला टॉपिक प्रेजेंटली चालू है, तो इन सब टॉपिक्स की आपको प्लेलिस्ट से वाले सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।